दिल्ली की बसों में आपने महिला कंडक्टर्स को तो देखा होगा, लेकिन अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी DTC की पहली महिला ड्राइवर भी मिल गई है। आप भी देखिए लो फ्लोर बस का स्टीयरिंग थाम कर बखूबी बस चला रही इस महिला ड्राइवर को। तो DTC बस की पहली महिला ड्राइवर, इस महिला ड्राइवर का नाम सरिता है। 30 साल की सरिता तेलंगाना की रहने वाली है और पिछले 12 सालों से ड्राइविंग कर रही है। और यही वजह है कि सिर्फ 28 दिनों की ट्रेनिंग के बाद सरिता को दिल्ली की सड़कों पर ड्राइविंग की इजाजत मिल गई। शुक्रवार को सरिता ने औपचारिक रूप से अपने पद को ग्रहण किया और स्टीयरिंग थाम कर सरपट सफर पर चल पड़ी। सरिता की पोस्टिंग सरोजिनी नगर डिपो में की गई है। सरिता अब सेंट्रल दिल्ली के इलाकों में बस चलाती नजर आएंगी। सरिता दिल्ली की फर्स्ट लेडी ड्राइवर बनकर बेहद खुश हैं। सर, महसूस हो रहा है कि एक अच्छा काम भी दिया गया है, कि एक अच्छा काम में भी आ रही हूँ, कि एक DTC सरकारी नौकरी मिल रही है, कि मेरे परिवार के लिए भी, मेरे लिए भी। सर, मुश्किल चलाने में कोई नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी का सब कुछ सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बदल चुका है, कि पहले पुरानी बस है, अब ये बस की बहुत डिफरेंट है। सर, कि मेरे साथ मेरी महिला पैसेंजर ही रहेंगी, उनके लिए मैं सुविधा की जैसे स्टैंड पे उनको बैठाऊंगी, स्टैंड पे उनको उतारूंगी और रेड लाइट नहीं क्रॉस करूंगी।